अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार अहमद और आप देख रहे हैं एनएस व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि अगली वीडियो में मैं इस जो शूज़ मैंने ख़रीदे हैं इनका रिव्यू भी करूँगा, इनको पहन के मैं कहीं जाने का प्रोग्राम है बर्फ़ पे, तो वो बताऊँगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो फ़िलहाल तो ये है कि ट्रैवलिंग तो हो नहीं रही, सीज़न ऑफ है, तो आगे हमारा गर्मियों में प्रोग्राम बन रहा है कटोरा लेक का, और मतलब ये कलाम साइड सारा एक्सप्लोर करने का। तो इसमें बहुत सारे हाइकिंग प्रोग्राम भी हैं, तो हाइकिंग के लिए शूज़ होना लाजमी है। शूज़ अच्छे वाले चाहिए थे तो मैंने बहुत सारा सर्च किया कि कौन से शूज़ लेने चाहिए, क्योंकि हम बाइकर हैं तो बाइकर कम्युनिटी के लिए जो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बहुत सारे ख़तरनाक रास्तों पे भी जाना पड़ता है, जहाँ पे पाँव के लिए जो सेफ्टी के लिए वो शूज़ बहुत लाजमी होता है, शूज़ ताकि ऐसा हो कि जो स्लिप ना करे। अक्सर बाइक स्लिप होता है तो जूते ऐसे होते हैं वो भी साथ स्लिप हो रहे होते हैं, तो इस तरह का शूज़ चाहिए था। तो मैंने ये एक शूज़ परचेज़ किया है डेल्टा का, तो मैं बता देता हूँ कहाँ से परचेज़ किया और कितने का मिला, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं इसका आपको थोड़ा सा बॉक्स के बारे में और ओपन करके दिखा देता हूँ ये क्या क्या चीज़ है। ये डेल्टा टेक्टिकल बूट्स क्वालिटी इक्विपमेंट है, और इसके ऊपर एक यहाँ पे मज़ीद तफसील भी लिखी हुई है, डेल्टा टेक्टिकल बूट्स क्वालिटी इक्विपमेंट। अच्छा, इसमें डेल्टा जिपर हाई टॉप बूट्स, मैन डेजर्ट कम्बॉट बूट्स, स्पेशल फोर्सेस टेक्टिकल बूट्स, टेक्टिकल बूट्स फॉर हाइकिंग है, और US 43। मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ओहो, अच्छा जी, ये ऊपर तो इसका कोई पेपर शेपर पड़ा हुआ है इनका लोगों शोगों के साथ, और ये हैं जी स्पेशल शूज़ जो इसके अंदर से निकले हैं। इसके ऊपर भी एक अगर दिखाऊं तो ये कुछ लगा हुआ है, ये आर्मी का एक बंदा मुझे नज़र आ रहा है, और ये इसके कुछ फीचर्स वगैरह, इसके अंदर कितनी प्लाईज हैं नीचे ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको अगर फोकस करके दिखाएं तो ये सारी इसकी लेयर्स कितनी हैं शूज़ के नीचे, स्लिप का क्या मतलब इसके फ़ीचर्स हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। इसकी क्वालिटी की बात करूं तो जब मैंने लिया है तो उन्होंने कहा है कि ये वाटरप्रूफ है, और प्लस इसका जो सोल है, ख़ासकर ये जो सोल होता है ये नरम है, मतलब ये देखें आप, ये आराम से मूव होता है, और जब इसको आप मारेंगे तो ये ज़्यादा टक टक नहीं करता, ये मतलब सॉफ्ट है। आप इसमें जो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के आते हैं, इसमें एक हल्की क्वालिटी का होता है, लेकिन उसका ये रबड़ जो होता है वो सख्त होता है जो स्लिप होता है, तो इसलिए आप जब भी लें तो ये सोल जो है ये नरम सोल वाला लें। इसके अलावा ये उसने मुझे बताया है कि ये US क्वालिटी का है, आप अल्लाह ही जानते हैं कि US क्वालिटी का है या नहीं। जो उसने मुझे अंदर से दिखाने की कोशिश की है तो ये इसके अंदर एक स्टिकर लगा हुआ है, तो आप देखें तो ये साइज़ UK के हिसाब से 7 है, US के हिसाब से 8 है, तो मेड इन USA लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये USA का होगा, क्योंकि USA का होता तो 10-12 हज़ार से कम नहीं होता, तो ये मुझे मिला है। अच्छा, इसकी मज़े की बात, इसकी एक और मैं बात बता दूं साथ ही, ये जो इसकी साइड है, आप अगर तस्मे को बांध के रखेंगे, तस्मे आपने फुल बांध देने हैं, तो आप इधर से ये इसको ओपन करके मतलब ये ज़िप के ज़रिए आप शूज़ पहन सकते हैं और उतार सकते हैं। ये इस तरह का ये आपका ये लॉक हो जाएगा, और ये शूज़ आपने ज़बरदस्त किस्म के, ये आपको बिल्कुल आपको ग्रिप कर लेंगे, आपके टांग को भी ग्रिप कर लेगा यहाँ से, और प्लस पाँव को यहाँ से ग्रिप कर लेगा, और बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है। ये नीचे इसके आप देखें तो ये काफ़ी सारे हुक्स लगे हुए हैं जो आपके मतलब कहीं पे भी कीचड़ में या बर्फ़ में या किसी भी स्लिपली जगह पे आपको स्लिप नहीं होने देगा। 41 नंबर मेरे लिए था तो मैंने 41 नंबर लिया है, तो बाकी इसको मैंने बताया है कि पहन के मैं चेक करूँगा कि कैसी क्वालिटी है। तो ये तो है इसका, आपको मैं बता रहा था, ये दूसरा भी इसके साथ का शूज़ है, तो मैं बता देता हूँ कि मैंने लिया कहाँ से। अच्छा जी, ये तो थी शूज़ की क्वालिटी वगैरह मैंने बात की है, इसमें असल में बहुत सारी क्वालिटीज़ उनसे मुझे दिखाई हैं, तकरीबन 4,000, 3,000, 2,000, 1,800 तक भी दिखाई है। तो ये वाला जो शूज़ था, ये जो मुझे उसने दिखाया है, तो ये मुझे उसने 3,500 मतलब 3,500 का बताया था, और ये उसने मुझे जो दिया है वो 2,000 रुपये का दिया है। अच्छा, मैं बताऊं कि लिया कहाँ से है, तो हमारे इस्लामाबाद के अंदर जो अतवार बाज़ार लगता है पेशावर मोड़ पे,
ये इतवार को भी लगता है, मंगल को भी लगता है और जुम्मे को भी लगता है। ये 3 दिन होते हैं हफ्ते के। तो वहाँ पे शूज़ की एक बहुत बड़ी वैरायटी वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे लंडा भी है और नए भी मिलते हैं। तो ये मुझे तो लंडा नहीं लग रहा क्योंकि ये यूज़ में नहीं है, ये नए हैं। लेकिन ये इसने US बताया था, लेकिन है ये चाइना क्वालिटी है। लेकिन उसने कहा ये अच्छी क्वालिटी है उन सब में से। और वाकई मुझे लगा कि इसका सोल जो है वो नरम है और ये अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा, तो इसलिए मैंने ये लिया। तो ये मुझे 2000 का पड़ा है। तो आपने भी अगर बहुत सारी कुछ चीज़ें वहाँ पे लेनी हो तो बहुत सारी हर तरह के शूज़ वहाँ से आपको मिल जाएंगे, फुटबॉल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, वैसे होम यूजिंग के लिए बहुत सारे शूज़ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ट्रिप में जाएंगे जी। दुआ करें थोड़ा सा मौसम थोड़ा खुल जाए और हालात अच्छे हो जाएं, क्योंकि कोरोना की वजह से इस साल, पिछले साल तो हम नहीं ट्रैवलिंग कर सके, तो इस साल इंशाल्लाह ट्रैवलिंग करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जूते पसंद आए होंगे, मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। तो पहन के बताएंगे कि कैसे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।